सुपर एंटरटेनमेंट चैनल में खुश आमदी। ड्रामा सीरियल दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे सुल्तान तो रानी इतनी कोशिशों और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार हैदराबाद में नगीन की बहन को देख लेता है। वो नगीन की बहन का पीछा करते करते उसे जाकर पूछता है कि खुदा के लिए मुझे नगीन का एड्रेस दे, मुझे उससे बात करनी है। जिस पर नगीन की बहन कहती है कि मेरे पास उसका कोई एड्रेस नहीं है। सो व्यूअर्स, सुल्तान दुरानी वहाँ से ना उम्मीद होकर चला जाता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे नरमीन अपनी माँ को कह रही होती है कि सुल्तान दुरानी ने अभी भी उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा और मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं करूँगी, इस गलती की सज़ा ज़रूर दूँगी, आप देखें मैं करती क्या हूँ उसके साथ। जिस पर नरमीन की माँ कहती है कि अब तुम ऐसा क्या करोगे, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके बाद तुम्हें नुकसान हो। जिस पर नरमीन कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है, मैं छोड़ूंगी नहीं इस सुल्तान दुरानी को इतनी आसानी से। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे दूसरी तरफ जो नगीन हारून के घर वापस आ चुकी है, उसकी माँ ने नगीन के नाक में दम कर रखा है, बार बार बातें सुनाती है, तंग करती है, यहाँ तक के किचन में अपनी बेटी से कह रही होती है कि तुम उस मस्कीन और यतीम लड़की की साइड मत लेना, वो सब कुछ ड्रामे कर रही है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हारून को हमसे छीनने के लिए। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। जिस पर हारून की बहन अपनी माँ से कहती है अम्मी आहिस्ता बोले, नगीन सुन लेगी। जिस पर हारून की माँ कहती है सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे नगीन और जब हारून की माँ आमने सामने होती हैं तो हारून की माँ नगीन की खूब क्लास लेती है, उसे कहती है कि हॉस्टल्स में रहने वाली लड़की, घर से दूर रहने वाली लड़की जिसका ना कोई आगे ना कोई पीछे, वो कैसे ख़ानदानी हो सकती है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इस घर में जगह बना पाओगी, मैं तुम्हें इस घर में ज़्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। सो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन को निकालने में हारून की माँ कामयाब हो जाएगी या फिर हारून की माँ नगीन को निकालने के चक्करों में अपने बेटे से भी हाथ धो बैठेगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। सुपर इंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट। अल्लाह हाफिज़।